वाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः नारायण 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 गीता में दो सर्गों का वर्णन किया गया है। दो कुल सर्गो लोके में दैव मासुर में विचार दैव और आसुर दो प्रकार के सर्ग हैं। सर्ग माने सर्जन सृष्टि। उनके पृथक पृथक गुण हैं दैवी संपद मोक्षाया निबंधाया श्रीमता। तो तात्पर्य क्या है? एक दैव सर्ग है, एक आसुर सर्ग है। इनके भेद का हेतु क्या है? तो दैव और असुर इन दोनों के जनक
एक, दोनों के पिता एक, देवताओं के भी और पशु केवल जननी माताएं दो अलग अलग, एक दिति है और एक अदिति है। तो कश्यप पिता है, कश्यप माने क्या, जो दृष्टा है, उसको कश्यप कहते, पश्यती पश्यकः और पश्यकः एव कश्यपः, ये निरुक्त से इसकी व्युत्पत्ति की जाती है। वो केवल दृष्टा मात्र है, सृजन दिति और अदिति से, पिता एक होने पर दो भेद इसलिए हैं कि एक की उत्पत्ति द्वैत बुद्धि से हुई है और एक की उत्पत्ति अद्वैत बुद्धि से। ये नाम बड़े सार्थक हैं, तिथि और अदिति। जो भेदिका दृष्टि है, जो भेद दृष्टि है, अयम निजः अयम परः, इस प्रकार की दृष्टि है, तो निज और पर की दृष्टि वाली बुद्धि, अपना परायापन देखने वाली बुद्धि, अलग अलग प्रकार से करने वाली बुद्धि तो अवखंडन से बनी है। तो जो अवखंडन करे वो दिव्य है, जहां द्वैत होगा वहां लोभ भी होगा, वहां द्वेष भी होगा, वहां राग भी होगा, ये सबके सब दोष द्वैत बुद्धि के कारण होते हैं। अपने के दोष भी नहीं दिखाई पड़ेंगे और दूसरे के गुण भी दोष प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। अपना पराया, अपने के लिए हम कुछ भी पाप पुण्य करने को तैयार हो जाएंगे और यही स्थिति पराए के लिए, उसकी हानि पहुंचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार। तो ये आसुरी बुद्धि है। असु सुरमंते, वो जो अपने आप ही रमण करे, अपने स्वार्थ के लिए रमण करे, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये आसुरी प्रवृत्तियों के नायक है, भोग वृत्ति के नायक है। एक भोग वृत्ति है और एक संग्रह वृत्ति है। सबका इकट्ठा होके आ जाए, सबका सब हमारे भोग के लिए ही है, ये आसुरी। और वासुदेवा सर्वम इति, सर्वत्र वासुदेव की बुद्धि रखे, सर्वम खल इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, अपने साथ अद्वैत। जो एक से जुड़ा हुआ होगा अनंत, वो सबसे जुड़ा होगा, और एक खंड से जो जुड़ा होगा वो अवशिष्ट से विखंडित होगा। तो ये दिद की संतानें ऐसी हेतु क्यों है, क्योंकि वो वासना से उत्पन्न हुई है। दिदी संध्या काल में जो
शरीर से समागम काल नहीं है उसमें। कश्यप की रुचि के बिना भी गर्भ में आए उसका परिणाम हिरण्यकशिपु को मिल गया। तिथि माने आदित्य की जननी, आदित्य माने देवता जो सबको खिलाए, जो यज्ञ चक्र का माध्यम हो, इस सृष्टि का प्रारंभ करके प्रजापति ने कहा था यज्ञ तुम लोग करो। यज्ञ माने क्या है? परस्परम भावयंता श्रेया परम वाप्सतः। परमम श्रेय को प्राप्त, तो जो सबके कल्याण के लिए हो, यज्ञ माने सबका कल्याण, सबका विकास, सबका हित। यज्ञ में बढ़ई भी लगता है, यज्ञ में किसान भी लगता है, यज्ञ में गोपाल भी लगते हैं, वैदिक भी लगते हैं, सुरक्षा कर्मी भी लगते हैं, वेदज्ञ भी लगते हैं। इनके माध्यम से देवताओं का यजन होता है। देवताओं के लिए उत्सर्ग माने समष्टि के लिए उत्सर्ग, उसका परिणाम ये होता है कि यज्ञाधवति पर्जन्य। ये सबके हितकारी बादल, बादल एक प्रतीक है, उसका फल सर्व हितकारित्व के रूप में है। जो सबका कल्याण करे वो दैव है। तो ये दैवी संपत्ति विमुक्ति के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। दैवी संपत्ति से तृप्ति हो सकती है, आसुरी संपत्ति वाला कभी तृप्त नहीं होगा। और संसार का जितना सुवर्ण, जितना धन, जितना अन्न, जितनी स्त्रियां, अच्छा जितने भोग विलास हैं, वो किसी एक को तृप्त नहीं कर सकते। जो अतृप्त है वो और अवशोषण करने की चेष्टा करेगा, दूसरों के दुख को नहीं देखेगा, हमको अपना स्वार्थ पूरा करना, ये एक बुद्धि है। और एक बुद्धि है सबका है, समाज का है, ऐसे जो सबको साथ जोड़ करके कर्म किए जाते हैं वो प्रजापति के आज्ञाकारी हैं। मन सतरूपा आज्ञाकारी है प्रजापति के, हम क्या करें, उसके कारण दिव्य संतति होती है। त्याग में अनत्यागा शांति रणंतरम, जो सबके साथ शेयर करता है, बांटता है, तो बांटने में उसको पहले प्राप्त होता है। हमारे संतों का बांटन वाले के लगे जो हर जो मेहंदी को रंग, पहले मेहंदी हम लोगों ने बचपन में पत्ती तोड़ी है और घर में आकर के उनको पीसा जाता था, वो केमिकल नहीं, रियल मेहंदी, उसको कविता परिश्रम कौन करे, बड़ा प्रेम से घिसी जाती थी और उसको फिर हाथ में रचाया जाता था। हम लोग भी तमाशा देखते रहे, पता नहीं हमारी साथ कभी इच्छा नहीं हुई, लेकिन हमारे साथी लोग लगाते थे, मेरा पता नहीं क्यों नहीं करेगी। तो जो हल्दी ही जो मेहंदी बांटता था
बांटता माने ऐसे करके पीसता सिर पट्टे पे, उसके हाथ में रंग अपने आप लग जाता। देने का जो सुख है उसकी कोई तुलना नहीं है। ध्यान रखिए, आप अपने आप अनुभव करें। ग्रहण में तृप्ति नहीं होगी, विसर्जन के बाद तृप्ति होती है, शांति होती है। ये दैवी संपत्ति है, इसके कर्ता एक ही है, आत्मा ही करता है, दृष्टा। लेकिन किसके साथ संयुक्त होता है? द्वैत बुद्धि के साथ होता है कि अद्वैत बुद्धि के साथ होता है? द्वैत बुद्धि की सृष्टि आसुरी सृष्टि होगी, अद्वैत बुद्धि से की हुई सृष्टि सृजन दैवी होगा। अब ये हम लोगों को विवेक पूर्वक निर्णय करना है कि हम किस प्रकार की सृष्टि चाहते हैं। सत्संग के द्वारा उचित दृष्टि प्राप्त कर बुद्धि को हम लोग निर्मित करें, आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, परमात्मा का मंगल करें। जय श्री।